हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको सुपर हेक्सागोन से रिलेटेड या कुछ मैजिक ट्रिक्स बताऊंगी आइडेंटिटीज़ की। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स से रिलेटेड आपको बहुत आसानी से ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ सिक्स हमारी साइड है, सिक्स ही हमारी वर्टिसेस है और इन सिक्स वर्टिसेस को जोड़ने पर सिक्स ही डायगोनल्स के ट्रायंगल्स बनते हैं ही। ये अब हम चलिए देखते हैं। हमें हमेशा क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई के अनुसार, जैसे क्लॉक में घड़ी की सुई ऊपर से नीचे की ओर राइट हैंड साइड में चलती है, हमें भी हमेशा राइट हैंड साइड में चलना है। देखिए बीच में एक आइडेंटिटी दे रखी है जिसको हम वन लेते हैं, हमेशा आइडेंटिटी वन ही होती है। अब देखिए क्लॉकवाइज का मतलब है यहाँ आप देख रहे हैं येलो कलर के तीन ट्रायंगल्स हैं। अब इन्हीं ट्रायंगल्स की हेल्प से और इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम बहुत इजी तरीके से फॉर्मूले फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ हम साइन से कॉस की तरफ जाते हैं तो साइन के बाद आता है क्लॉकवाइज चलने पर कॉस, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर आता है वन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो हमने क्लॉकवाइज चला और एक ट्रायंगल पूरा करने पर हमारा फॉर्मूला फाइंड हो गया। यहाँ आप देख रहे होंगे जो वन है वो इक्वल में आया है, यानी कि जो सबसे लास्ट में क्लॉकवाइज चलने पर आएगा वो इक्वल के दूसरी साइड में आएगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज चलने पर वन सबसे लास्ट में आया तो हमने इक्वल के अदर साइड में वन रख दिया। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता चल रहा है कि इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि जो हमारा तीर था वो सेक स्क्वायर थीटा पे ख़त्म हुआ, तो लास्ट में इक्वल के राइट हैंड साइड पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। वही सेक स्क्वायर थीटा हमारे इक्वल के अदर साइड में आ गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब चलिए थर्ड ट्राइंगल में देखते हैं। यहाँ हमारा कोसेक कॉट और वन है, अब वही हमें क्लॉकवाइज चलना है और हमारा फाइंड क्लॉकवाइज चलने पर फर्स्ट नंबर पे आता है वन, फिर कॉट, फिर कोसेक। चलिए इसी से अब हमारा फॉर्मूला बनता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल के अदर साइड में है, तो देखिए क्लॉकवाइज चलने पर वन पहले आता है तो हमने पहले वन लिख दिया, फिर कॉट आता है फिर हमने कॉट की वैल्यू, फिर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे तीनों फॉर्मूले फाइंड हो गए आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर।